अकाली सरकार के दौरान कथित सिंचाई घोटाले की जांच खुली है। साबका आईएएस केपीएस सिद्धू नूं विजिलेंस वल्लों तलब किया गया। इस तों पहलां दो साबका मंत्रियां ते दो साबका आईएएस अफसरां तों पुछगिछ हो चुकी है। 2 फरवरी नूं विजिलेंस ने साबका मंत्री जनमेजा सिंह सेखो ते साबका चीफ सकत्तर सर्वेश कौशल तों पुछगिछ कीती सी ते 1 फरवरी नूं साबका आईएएस अधिकारी कान सिंह पन्नू ते अकाली सरकार दे दौरान मंत्री रहे शरणजीत ढिल्लों तों सवाल जवाब किए गए सन। अकाली सरकार के दौरान पंजाब च हुई 1200 करोड़ रुपए की कथित सिंचाई घोटाले का पूरा मामला है, जिस साबका मंत्रियों ते अधिकारियों तो पुछगिछ हुई है। इस तो पहला ये तिन्ने आईएएस अफसर ते अकाली लीडर शरणजीत ढिल्लों अते जनमेजा सिंह सेखो तो विजिलेंस कई बार पुछगिछ कर चुकी है। 2007 तो 2012 ते 2012 तो 2017 के दरमियान अकाली सरकार च सिंचाई मंत्री रहे शरणजीत सिंह ढिल्लों ते जनमेजा सिंह सेखो इस घोटाले के मुख मुलजम मने जा रहे हैं। ये दो साबका मंत्रियों ते 3 आईएएस अफसर ते एक ठेकेदार तो रिश्वत लैके सिंचाई विभाग च 1000 करोड़ रुपए का काम देने का इल्जाम लग्या।